पिछले करीब एक साल पहले जब साध्वी बहनों से संबंध बनाने के आरोप में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया जेल में कदम रखा, तब उसका वजन करीब करीब 105 किलो था। लेकिन अब इन 12 महीनों में उनका वजन घटकर 92 किलो ही रह गया है। साथ ही चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई है और दाढ़ी सफेद हो चुकी है। आगे के हिस्से के बाल थोड़े काले हैं, सिर के बाल पहले की तरह लंबे हैं। वजन घटने की वजह चिंता है या फिर योगा, इसके बारे में खुद बाबा ही अच्छे से जानते होंगे, मगर वो सेहत के प्रति अलर्ट हैं। 12 महीने में राम रहीम का 13 किलो वजन घटा, आधी दाढ़ी सफेद हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे सोने तक बाबा की जिंदगी एक सामान्य कैदी की तरह है। सब्जियां शिद्दत से उगाते हैं, इंटरटेन के लिए वो बैडमिंटन खेलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के अलावा योग करते हैं, कभी कभी कोठरी में अंगीठी पर सब्जी की छोंक भी लगाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाबा की बैरक करीब आधा एकड़ में है, चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवार है, कोठरी करीब 15 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है। वो सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच कोठरी से निकलकर 1 घंटे तक कॉरिडोर में घूमते हैं, इसके साथ ही वो योग भी करते हैं। इसके अलावा 6:30 बजे दूसरे कैदियों की तरह बाबा को अपनी बैरक के लोन में भेज दिया जाता है, जहां उसने सब्जी उगाई हुई है। वो करीब 2 घंटे सब्जियों का रखरखाव करता है। 8:30 बजे ब्रेकफास्ट के बाद किसी केस में सुनवाई है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसका आधा दिन गुजर जाता है और फिर उसके बाद राम रहीम किताबें पढ़ते हैं और इसी तरह से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। क्योरेन हेल्प डेस्क रिपोर्ट।